उतनी देर तक कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी तरफ ये जो निज़ाम है इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत, हम वादिले नखास्ता कबूल किए हुए हैं और ये मशक थी कि चलो इसके ज़रिए से कोई बेहतरी का रास्ता निकले, लेकिन 70 साल से वो कोलू के बैल की तरह वही मशक हो रही है। सियासतदानों को तो ये मसला है कि जमहूरियत बड़ी मुकद्दस होती है, हमें तो कोई मसला नहीं है कि हम उसके कसीदे पढ़ते फिरें। जमहूरियत है क्या? इकबाल ने कहा था कि ये राज एक मर्द फरंगी ने किया फाश, हर चंद के दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। चाहे एक तरफ 100 गधे हो जाएं और दूसरी तरफ जो है वो समझदार तरीन उलमा एक तरफ हो, तो वो गधों की बात मानी जाएगी? जमहूरियत तो यही है ना। और हम सिर्फ मुल्क के मामलात के अंदर जमहूरियत जमहूरियत की रट लगाते हैं, बाकी मामलात के अंदर हमने कभी जमहूरियत नहीं देखी। जब बेटे का रिश्ता करने लगते हैं तो घर के अफराद को बुला के, रिश्तेदारों को बुला के वोटिंग करवाते हैं, या सिर्फ घर के 5-4 वही जो साहिब राय लोग होते हैं वही बैठ के फैसला करते हैं। मैं अपने इस इदारे के अंदर जो फैसला करता हूँ वोटिंग तो नहीं करवाता। आप अपनी फैक्ट्री के अंदर जो फैसले कर रहे होते हैं तो वहां वोटिंग तो नहीं करवा रहे होते लोगों को? आप जो भी मामला जिंदगी के चला रहे हैं, रिश्ते करते हैं, बच्चों के फैसले करते हैं, कोई चीज खरीदनी है, कोई चीज बेचनी है, उस शोबे के माहरीन को बुला के राय लेते हैं, समझदार लोगों को बिठा करके। उस वक्त आपकी किचन कैबिनेट भी होती है, सब कुछ होता है उस वक्त। और ये मुल्क इस कदर बेतौकीर है कि यहां आप उस शख्स की राय ले रहे हो कि जो बिरयानी की प्लेट के ऊपर बिक रहा है, और आप कह रहे हैं कि इस वोट को भी इज्जत होनी चाहिए, इसको भी विकार होना चाहिए। क्या बात हुई आपकी? हमारी तकदीर अगर बदल सकता है तो वो निज़ाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदल सकता है। निज़ाम खिलाफ तमारी तकदीर बदल सकता है। हम मश करते रहें, जो भी करते रहें, कुछ नहीं होने वाला। माजी में कितनी हुकूमतें आईं बदली, अब एक हुकूमत आई, अब यह भी शायद जाने वाली है, किस्सा तमाम होने वाला है, फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ एजेंसियों के लोग भी मौजूद हैं, मैं मैसेज देता हूँ, कोई मुल्क के अंदर से संजीदा लोगों को इकट्ठा करे, 22 करोड़ की आवाम में से कोई 100 आदमी भी नहीं मिलेगा जो दयानतदार भी हो, खैरख्वाह भी हो इस मुल्क का और बासलाहियत भी हो। उन लोगों को बिठाएं और कोई 10-15 साल के लिए उनके सुपुर्द करें मुल्क, कोई मामले सीधे करें। गरीब के लिए तो जिंदगी इतनी तंग हो गई है कि खुदकुशी मना है शरीयत में, वरना लोग खुदकुशी कर लें। ये हालात अगर यूरोप में हो, दीगर ममालिक में हो, तो वो तो इज्तिमाई खुदकुशियां करें। या हमारा मजहब हमें रोक रहा है और हम बर्दाश्त कर रहे हैं और सब्र कर रहे हैं, हमारे मजहब ने हमें सब